दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं कि जो JBT की है भर्ती, वो काफ़ी सालों से आई नहीं है बहुत बड़ी भर्ती। और मतलब ये एक टाइम था कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को किया था, बट उसके बाद देखने में आया कि कई सालों से इसकी जो कोई भी सरकारी भर्ती है वो अभी तक नहीं आई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर जो हमारे CM साहब हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और सभी JBT भाइयों और बहनों के लिए जो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है, क्या उन्होंने घोषणाएं की हैं, क्या कुछ है उसके बारे में, आइए देखते हैं पूरी खबर। तो दोस्तों ये पूरी खबर आई है यहाँ पर हमारे सामने कि जो JBT शिक्षकों के 5,695 खाली पदों पर जो भर्ती की है वो तैयारी शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए मैं बताता हूँ इसमें क्या कुछ खास है। देखिए इसमें यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो JBT शिक्षकों की भर्ती की बाढ़ देख रहे जो पात्र हैं वो पिछले 6 साल से इस भर्ती का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें शिक्षकों के लिए अच्छी खबर ये है कि प्रदेश सरकार ने JBT के खाली पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है और वर्तमान में मोटे तौर पर 5,695 जो खाली पद हैं वो मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर उनको पता है। तो सरकार ने जिला के जो अधिकारी हैं उनसे खाली पदों की जो है ताज़ा रिपोर्ट भी मांग ली है। यहाँ पर खट्टर साहब ने जो रिपोर्ट है वो मांग ली है। तो जो स्कूल निदेशालय की ओर से इस बारे में जो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हिदायत दी गई है यहाँ पर कि जो जिला से खाली पदों का ब्यौरा आने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भर्ती के लिए डिमांड भेजी जाएगी, फिर आयोग भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर देगा। तो यहाँ पर प्रदेश में जो हैं वो 8,635 प्राइमरी स्कूल हैं यहाँ पर, और इन स्कूलों में JBT शिक्षकों के लिए 41,273 कुल स्वीकृत पद हैं यहाँ पर दोस्तों, बट वर्तमान में 29,550 शिक्षक ही कार्यरत हैं। 6,000 के करीब 28 JBT अतिथि अध्यापक भी हैं यहाँ पर। तो सरकार ने शुरू में गेस्ट टीचरों के पदों को रिक्त मानकर चलती आ रही थी, ऐसे में हरियाणा सरकार ने 5,695 पदों को रिक्त माना है। यहाँ पर ये जो पद हैं आपके, ये 5,695 के करीब जो अभी मोटे तौर पर इन्होंने मतलब मान लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में गेस्ट टीचर को पक्का करने का वादा किया था, शिक्षकों ने सरकार पर दबाव बनाया तो खट्टर ने पहले कार्यकाल में इसका फॉर्मूला निकाला है यहाँ पर। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मोटी मोटी खबर बताऊँ कि जो यहाँ पर पूर्व कांग्रेस सरकार ने कार्यालय अपने कार्यकाल के दौरान 2010 में भर्ती हुए थे यहाँ पर 1983 सारे शिक्षकों की बहाली की उम्मीद अब कम ही है। अच्छा, ये जो 2010 में यहाँ पर भर्ती की गई थी इन PTA टीचरों की, तो उनकी तो उम्मीद कम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है अब उसको तो मानना ही पड़ेगा इनको, तो इनके पास तो अभी कोई चारा नहीं है। बट जो हमारे यहाँ पर भाई बहन 1983 सारे शिक्षक हैं जो PTI हैं, ये अपनी मांग पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। तो देखना होगा कि सरकार इस बारे में क्या हल निकालती है। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर एक बड़ी बात यही है कि जो यहाँ पर JBT टीचर हैं वो यहाँ पर अब पक्के, और इनकी जो बड़ी भर्ती है वो आने वाली है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि सभी जिलों के DEO से मांगा गया रिक्त पदों का ब्यौरा, ये बहुत बड़ी खबर है यहाँ पर। JBT से जुड़े जितने भी हमारे यहाँ पर जितने भी हमारे तमाम साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये करीबन 6 साल हो चुके हैं इनको अपनी भर्ती का इंतज़ार करते हुए। और काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे यहाँ पर जिन्होंने उस टाइम कब से JBT कर रखी है और वो तैयारी भी में भी लगे हुए हैं, बट उनकी जो भर्ती है वो अभी तक उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर उम्मीद नहीं थी, तो अब ये बहुत बड़ी उम्मीद जागी है। तो दोस्तों आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहिए, JBT के भी यहाँ पर अगर सरकार ने बोला है तो जो बहुत जल्द पद आएंगे। तो हालाँकि इसमें कुछ टाइम ज़रूर लगेगा और कितना टाइम लगेगा वो आने वाले टाइम में देखने की बात होगी, बट यहाँ पर आप अपनी जो तैयारियां उसको यहाँ पर मुकम्मल करते रहिए, और जब भी आपकी ये डिमांड आएगी, जब भी आपकी भर्ती आएगी, तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर जल्द से जल्द इसको ज्वाइन करने की जो अपनी जो प्रयास है वो शुरू कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और तमाम जितनी भी अपडेट्स हैं उनसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो राम राम दोस्तों, धन्यवाद।